नवीन दहिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का। ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो जून 2019 में अभी एग्ज़ाम हुए हैं, और ये पेपर है एमडीयू का। ठीक है, एमडीयू का पेपर है, कल सीआरएसयू का पेपर है, तो सीआरएसयू वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत सारे व्यूवर्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बायोलॉजिकल साइंस का पेपर डालेंगे, तो अभी मैं डाल रही हूँ। जितने ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती है तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो में जाकर। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि हमें आपके वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, आपको नहीं मिलती तो आप वीडियो में जाकर चेक कर लिया कीजिए चैनल पे जाकर। ठीक है, वहाँ आपको सारी वीडियो अवेलेबल होती है। तो ये जो पेपर है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का है, और जो टाइमिंग है आपका वो 3 आवर्स का टाइम होता है। 3 आवर्स में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 16 मार्क्स के। फिर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी है, और उसके बाद जो है वो फोर्थ यूनिट होती है आपकी, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं 16 मार्क्स के, उनमें से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आना होता है 16 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पेपर आया हुआ है एमडीयू का बायोलॉजिकल साइंस का। ये फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका, 4 क्वेश्चन गिवन है 1 क्वेश्चन में जो कि कंपलसरी है आपके लिए। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञानों में प्रयोग। सेकंड है मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ बताना है 4 मार्क्स में। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग, इकाई नियोजन का महत्व बताना है। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, श्रेणीकरण के विभिन्न प्रकार। फिर आपके फर्स्ट यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन ही आपको करना है 16 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन द नेचर स्कोप जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन डिटेल, जैविक विज्ञानों की प्रकृति क्षेत्र साधारण लक्ष्यों और उद्देश्यों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ विल यू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन बिहेवियर टर्म, व्यवहारिक पदों में जैविक विज्ञानों के विशिष्ट उद्देश्यों को आप किस प्रकार से सूत्रीकृत करेंगे, ये बताना है आपको 16 मार्क्स में। उसके बाद चलते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4th है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन डिटेल, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के महत्व और चरणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये बताना है आपको 16 मार्क्स में। इम्पोर्टेंस बताने हैं एंड स्टेप्स इसके बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व्ड इन पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सम्मिलित चरणों को लिखिए। पेडागोजिकल एनालिसिस दे रखा है, उसमें आपको मानव पाचन तंत्र के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की व्याख्या करनी है 16 मार्क्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th है जो कि यूनिट 3rd आपके स्टार्ट होती है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो क्वेश्चन 6th देखते हैं किस तरह से दिया हुआ है। ये फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किस तरह से आप करेंगे, ये बताना 8 मार्क्स में। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, अन्वेषणात्मक उपागम, ये बताना आपको 8 मार्क्स में। तो टोटल हो गया आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th है जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, डिफाइन माइक्रो टीचिंग एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन इन डिटेल, सूक्ष्म अध्यापन को परिभाषित कीजिए, प्रश्न पूछने के कौशल की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये आपकी स्किल पूछ रखी है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, ये बतानी है आपको स्किल, और उसके बाद इसकी एक स्किल का जो लेसन प्लान होता है माइक्रो लेसन प्लान वो भी आपको इसमें बना के आना। ठीक है, अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है स्किल का तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो माइक्रो लेसन प्लान होता है वो आपको बना के आना है विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8th एंड यूनिट है आपकी 4th। ठीक है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको 1 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8th है डिफाइन द टर्म इवैल्यूएशन, डिस्कस इन डिटेल द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, मूल्यांकन शब्द को परिभाषित कीजिए, व्यापक तथा निरंतर मूल्यांकन की विस्तृत विवेचना कीजिए। पहले तो आपको इवैल्यूएशन बताना है क्या होता है, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में बताना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9th जो कि ऑप्शन में है आपका क्वेश्चन
9th. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9th नहीं आता तो 8th कर सकते हो, 8th नहीं आता तो 9th कर सकते हो, ठीक है. दो क्वेश्चन इस तरह से गिवन होते हैं आपको, जो भी आपको अच्छे से आता है आप वो कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9th है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन एट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट इन डिटेल. एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुणों तथा निर्माण में सम्मिलित चरणों की विस्तृत वर्णन कीजिए. ये भी आपको 16 मार्क्स में बताना है, ठीक है. तो ये हो गया आपका पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि MDU ने लिया था जून 2019 में, ठीक है. तो कंप्लीट हो गया ये पेपर आज आपका. कल आपका CRSU का है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक. जिसका भी बायोलॉजिकल साइंस का है, सोशल साइंस का है, कॉमर्स का है, जिसका भी जो पेपर है, सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड नाइट.